वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे साथ पवन, सचिन, गुलशन, विशाल, केएम, नेलोत्पल जुड़े हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत सारे एग्जाम लाइन में लगे हुए हैं, हरियाणा एएलएम का, उसकी भी डेट आ गई है, और हरियाणा जेई का एग्ज़ाम तो आप लोग दोगे ही, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। तो उन सारे एग्ज़ाम के लिए हम सवालों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आपको कुछ और क्वेश्चन कराएंगे आज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के। ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन आपको हम कराएंगे आज मेजरमेंट के। तो तैयार हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। हाँ पवन, उसकी चर्चा मैं अलग से एक वीडियो में करूंगा। चलिए आज का पहला सवाल है आपके पास ये, ए पोटेंशियोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड टू, पोटेंशियोमीटर क्या नापने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, पोटेंशियोमीटर क्या नहीं नाप सकता। नेलोत्पल, नेलोत्पल बोल रहे हैं एपीडीसीएल भी है नेक्स्ट मंथ में। गुलशन, सचिन, एवरीवन, तो जो बच्चे हरियाणा के हैं, हरियाणा एलम का फॉर्म भरे हैं तो उसमें लग जाओ, और भी जो अलग अलग एग्जाम हैं उनकी तैयारी में लगे रहिए। ये सवाल है कि पोटेंशियोमीटर से क्या नहीं नाप सकते। नहीं आरती नहीं, बस आज सैटरडे इसलिए आज के लिए चेंज है थोड़ा सा। तो पोटेंशियोमीटर से आप ईएमएफ ऑफ ए सेल, किसी सेल का ईएमएफ नाप सकते हो, ये नाप सकते हो आप। कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल, दो सेल के ईएमएफ को कंपैरिजन करने का काम है, दो सेल के वोल्टेज को कंपेयर करने का काम ये भी कर सकते हो आप। मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध नापना ये भी काम भी कर लेगा, ये तीनों काम कर लेगा। मेजर अननोन टेम्परेचर, अज्ञात तापमान नापने का काम नहीं कर पाएगा। अगर टेम्परेचर आपको नापना है तो टेम्परेचर नहीं नाप पाएगा। तो क्या नहीं कर पाएगा ये, इसमें से आपका टेम्परेचर नापने वाला काम नहीं कर पाएगा। इसलिए ये ऑप्शन आपका सही हुआ कि क्या नहीं नाप पाएगा, ये नाप लेगा, ये नाप लेगा, ये भी नाप लेगा, ये नाप नहीं पाएगा। अननोन टेम्परेचर, अज्ञात तापमान अगर आप नापोगे पोटेंशियोमीटर से तो नहीं नाप पाओगे। बाकी आंतरिक प्रतिरोध के साथ साथ वो ईएमएफ भी नाप लेगा सेल का, और दो सेल के ईएमएफ को कंपेरिजन करना है तो भी नाप लेगा, वो भी कंपेरिजन भी कर लेगा ये। तो आपको याद रखना है पोटेंशियोमीटर के बारे में। और नेक्स्ट सवाल ये आ गया, ए पोटेंशियोमीटर कैन नॉट बी यूज टू मीजर, पोटेंशियोमीटर क्या नहीं नाप सकता, बताओ। पोटेंशियो क्या नहीं नाप सकता है, पोटेंशियोमीटर क्या नहीं नाप सकता है, धारा, रेजिस्टेंस, ईएमएफ, इंडक्टेंस, आप लोग बताइए क्या नहीं नाप पाएगा। तो करंट नापने का काम या रेजिस्टेंस नापने का काम या ईएमएफ या इंडक्टेंस, तो आप करंट भी नाप सकते हो, रेजिस्टेंस भी, ईएमएफ भी, दो सेल का ईएमएफ भी आप कंपेयर कर सकते हो, मगर ये नहीं नाप सकते आप धारा, रेजिस्टेंस, ईएमएफ, दो सेल का ईएमएफ कंपेरिजन करना हो वो भी कर सकते हो, मगर इंडक्टेंस यानी प्रेरकत्व नापने का काम हम पोटेंशियोमीटर से नहीं कर सकते। ईएमएफ मतलब वोल्टेज, ईएमएफ से ईएमएफ नाप सकते हो, रेजिस्टेंस भी, करंट भी, मगर इंडक्टेंस नहीं नाप सकते। अगला सवाल है, मेगर इज इसेंशियली ए, मेगर कैसी डिवाइस है, क्या है मेगर, सीरीज टाइप ओममीटर बोलेंगे इसको, या मेगा ओममीटर बोलेंगे, या डायनमोमीटर बोलेंगे, या संट टाइप ओममीटर बोलेंगे। तो आप मेगर को क्या बोलोगे, क्या बोलोगे मेगर को, मेगर को क्या बोलोगे, मेगर को आप बोल सकते हो मेगा ओम मीटर, मेगर को आप क्या बोल सकते हो, मेगा ओम मीटर, मेगा ओम मीटर, मेगा ओम मीटर, मेगर को बोल सकते हो, क्योंकि बहुत हाई रेजिस्टेंस नापता है मेगर, बहुत हाई रेजिस्टेंस। इसको एक तरीके से कह लो कि इंसुलेशन को टेस्ट करना हुआ, या इंसुलेशन का रेजिस्टेंस नापना हुआ, या बहुत हाई रेजिस्टेंस नापना हुआ,
उस केस में आप मेगर को यूज कर सकते हो, इट कैन बी कॉल्ड मेगा ओम मीटर। क्या बोलेंगे? मेगा ओम मीटर, मेगा ओम मीटर। बोलो के हम अगला सवाल। मेगर इज बेसिकली ये, मेगर तो आपने बोल दिया कि मेगा ओम मीटर बोल सकते हैं, बहुत हाई रेजिस्टेंस नापते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस एंड कुछ अलग का प्रतिरोध नापते हैं, या इंसुलेशन के रेजिस्टेंस को टेस्ट करने में काम करते हैं, यूज करते हैं मेगर का। मेगर कैसा उपकरण कर कहोगे आप? तो मूविंग आयरन टाइप, मूविंग क्वाइल टाइप, हॉट वायर टाइप या इलेक्ट्रोलिटिक टाइप, किस टाइप का उपकरण आप मानोगे मेगर को? मेगर को, मेगर को आप अगर इंस्ट्रूमेंट के तौर पे देखोगे तो आप इसको मूविंग क्वाइल टाइप कह सकते हो, बिकॉज देयर इज ए मूविंग क्वाइल, मूविंग क्वाइल टाइप आप बोल सकते हो इसको। क्या बोल सकते हो? मूविंग क्वाइल टाइप। मूविंग आयरन बोलोगे? नहीं। हॉट वायर टाइप का नहीं, इलेक्ट्रोलिटिक टाइप का नहीं, मूविंग क्वाइल टाइप। आप मेगर की वर्किंग पढ़ोगे तो समझ में आएगा, इसको आप मूविंग क्वाइल टाइप बोल सकते हो, ठीक है? क्योंकि जो मूविंग क्वाइल का सिद्धांत है, जैसी कहानी मूविंग क्वाइल टाइप इंस्ट्रूमेंट की है, कुछ वैसा ही मिलता जुलता मेगर में भी रहता है, कुछ वैसा ही मिलता जुलता मेगर में भी रहता है, इसलिए आप मेगर को मूविंग क्वाइल टाइप इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो, ठीक है? गोलू बोल रहे हैं स्पीड ऑफ मेगर इज 160 आरपीएम। ओके पवन, ये है कंटिन्यूटी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज यूजुअली चेक्ड बाय, किसी इलेक्ट्रिकल परिपथ की निरंतरता सामान्यतः किसके द्वारा जांची जाती है? हाउ यू विल चेक द कंटिन्यूटी ऑफ ए कंडक्टर? बोलो पवन, के एम, दीपा, इलेक्ट्रिकल सर्किट की कंटिन्यूटी निरंतरता किससे चेक करोगे आप? बताइए इस सवाल का आंसर सभी लोग। ओम मीटर से, अमीटर से, वोल्ट मीटर से या किससे? हमारे पास सचिन का आंसर आया है ए, पवन का आया है अमीटर, गोलू का आया है ओम मीटर, अहीम हमारे साथ हैं। देखो इलेक्ट्रिकल सर्किट की कंटिन्यूटी कैसे चेक की जाएगी? सबसे पहले देखो कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? कंटिन्यूटी ऑफ ए कंडक्टर, या कंटिन्यूटी ऑफ ए सर्किट इज चेक्ड बाय ओम मीटर। किसी सर्किट की निरंतरता, निरंतरता को ओम मीटर से चेक करते हैं। एक्चुअली हम करते क्या हैं इसमें, इसमें हम दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस नापते हैं, इसमें दो पॉइंट के बीच प्रतिरोध नापते हैं, here resistance is, here resistance is measured between two point, here resistance is measured between two point। actually होता क्या है, अगर आपने किसी वायर में दो पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस चेक किया
ठीक है, आपने दो पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस चेक किया, और अगर रेजिस्टेंस बहुत लो आया, मान लीजिए आपने इसके और इसके बीच में रेजिस्टेंस चेक किया, और अगर इसके इसके बीच में रेजिस्टेंस बहुत लो आया, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड हैं, ये वैद्युत रूप से जुड़े हुए हैं, और अगर दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस काफी ज्यादा आया, इसका मतलब सर्किट क्या है, ओपन है, कंटिन्यूअसली नहीं है, ब्रेक है सर्किट, वायर टूटा हुआ है। तो कंटिन्यूटी चेक करने का मतलब है दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस चेक करना। रेजिस्टेंस कैसे चेक करोगे आप, जब रेजिस्टेंस आप चेक करोगे दो पॉइंट के बीच में, अगर वो रेजिस्टेंस बहुत कम है, इसका मतलब वायर एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है, वैद्युत रूप से जुड़े हुए हैं तार। और अगर दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा आ गया, इसका मतलब ये दोनों वायर आपस में जुड़े नहीं है, यानी ओपन है। तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, वायर जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो इसके इसके बीच में रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि किसी कंडक्टर का वायर का रेजिस्टेंस तो नॉर्मली कम ही होता है। तो अगर दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस नापने पे वैल्यू बहुत कम आई, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिकली जुड़े हैं, और अगर वैल्यू बहुत ज्यादा आई, तो इसका मतलब वो एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली जुड़े नहीं है, ब्रेक है, ओपन है सर्किट। तो कंटिन्यूटी किसी सर्किट की हम ओममीटर से चेक कर सकते हैं, क्योंकि ओममीटर ही रेजिस्टेंस नाप सकता है, ओममीटर ही रेजिस्टेंस नाप सकता है। तो दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस नापना है, रेजिस्टेंस कम आ गया इसका मतलब इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस ज्यादा आ गया इसका मतलब इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है। तो आप रेजिस्टेंस नापने वाला जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा वही सेलेक्ट करोगे, क्योंकि आप कंटिन्यूटी में रेजिस्टेंस ही चेक करते हो दो पॉइंट के बीच में, और रेजिस्टेंस चेक करने के लिए कौन है, ओममीटर। कौन है रेजिस्टेंस नापने वाला, ओममीटर। केएम हमारे साथ हैं, लक्ष्मी हैं, यस आरती, यस। तो अगर आप कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हो तो यहां पे ऑप्शन में ओम मीटर है, और सवाल क्योंकि ओम मीटर में आप क्या चेक करते हो, रेजिस्टेंस नापा जाता है, रेजिस्टेंस नापने वाला जो भी ऑप्शन में होगा उसको हम मार देंगे, टिक मार देंगे, यहां ओम मीटर था, ओम मीटर को टिक कर दिया। वही सवाल थोड़ा सा बदल के आ गया, ये सवाल है, इस सवाल का आंसर बताइए। टू डिटरमाइन कंटिन्यूटी ऑफ ए वाइंडिंग विच इज यूज्ड किसी वाइंडिंग की निरंतरता चेक करने के लिए इसमें से क्या यूज करेंगे, किसी कुंडली की निरंतरता चेक करने के लिए क्या प्रयोग करेंगे, तो बताइए इसका आंसर। फ्रीक्वेंसी मीटर, अमीटर, मल्टीमीटर या वोल्टमीटर। हमको पता है अगर किसी भी वायर या किसी भी क्वायल की हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है, निरंतरता चेक करनी है, तो उसमें हम दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस नापेंगे, और रेजिस्टेंस नाप के हम अंदाजा लगा देंगे कि कंटिन्यूटी है कि नहीं है। अगर रेजिस्टेंस बहुत कम है तो वायर कंटिन्यू है, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है एक दूसरे से, और अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है या एक निश्चित मान से ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि वो वायर ओपन है या कनेक्टेड नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं, आप ऐसा बोल सकते हो। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आप रेजिस्टेंस नापते हो, और इसमें से रेजिस्टेंस नापना है तो कौन नापेगा रेजिस्टेंस, ये तो वोल्टेज नापेगा, ये तो करंट नापेगा, ये तो फ्रिक्वेंसी नापेगी। मल्टीमीटर, यस, मल्टीमीटर वोल्टेज भी नाप लेता है, करंट भी नाप लेता है, रेजिस्टेंस भी नाप लेता है, और मुझे रेजिस्टेंस नापना है तो मैं मल्टीमीटर का इस्तेमाल कर सकता हूं। यानी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आप ओममीटर का भी यूज कर सकते हो। कंटिन्यूटी चेक करना है अगर आपको, तो आप वोल्टमीटर का यूज, आप ओममीटर का यूज कर सकते हो, या फिर ओममीटर ऑप्शन में नहीं है तो आप मल्टीमीटर का यूज कर सकते हो, क्योंकि ये दो के दोनों आपके रेजिस्टेंस नापने में मदद करेंगे। कंटिन्यूटी में क्या नापते हैं, रेजिस्टेंस नापते हैं।
वी मेजर रेजिस्टेंस इन कंटिन्यूटी। ओके, तो उम्मीद है इन दोनों सवालों का आंसर आपको मिल गया होगा, इसरो में पूछा हुआ है और ये है आपका, आपको मिल गया मल्टीमीटर, क्योंकि रेजिस्टेंस नापना है मुझे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, और रेजिस्टेंस मल्टीमीटर नाप सकता है। मल्टीमीटर आपका जो है वोल्टेज भी नाप सकता है, ये करंट भी नाप सकता है, और ये रेजिस्टेंस भी नाप सकता है, तीनों चीज नाप सकता है मल्टीमीटर। ठीक है, अगला सवाल है, ईएसडी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस, इलेक्ट्रोसेंसिटिव डिवाइस, इलेक्ट्रोसेंसिटिव डिस्चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। मतलब जहां भी आप रेजिस्टेंस नापने के लिए जिसको यूज कर सकते हो यूज कर सकते हो, तो इसमें हम रेजिस्टेंस नापते हैं। हाँ जी, रेजिस्टेंस जैसे ओम मीटर था तो मीटर, मल्टीमीटर मल्टीमीटर, मतलब रेजिस्टेंस ये नाप सकता है तो इसको हमने टिक कर दिया। यहाँ रेजिस्टेंस नापने वाला कौन था, यहाँ रेजिस्टेंस नापने वाला ओम मीटर था, तो हमने ओम मीटर टिक कर दिया। तो जो रेजिस्टेंस नापने वाला मिल जाएगा मैं उसको टिक मार दूंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया कंटिन्यूटी हम रेजिस्टेंस नापते हैं। ठीक है, अब रेजिस्टेंस नापते हैं तो रेजिस्टेंस नाप लो, जो रेजिस्टेंस नाप चाहे वो मीटर हो चाहे मल्टीमीटर हो जो भी हो। इसका आंसर बताइए, ईएसडी का मतलब क्या है, ईएसडी का मतलब, हमारे पास गुलशन का आंसर आया है ए, गौरव का आंसर आया है डी, डी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज, ए मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस, नॉलेज का आया है डी, गोलू का आया है इलेक्ट्रोसेंसिटिव डिवाइस। अच्छा जी, और देखो, ईएसडी का पूरा नाम है, ईएसडी का पूरा नाम है इलेक्ट्रो स्टैटिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रो स्टैटिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज इसका मतलब क्या होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट या दो वस्तुएं आपस में दूसरे के टच में आती हैं, दो वस्तुएं जब आपस में एक दूसरे से टच में आती हैं और दोनों के पास स्टैटिक चार्ज होता है यानी रुका हुआ आवेश होता है, दो ऑब्जेक्ट हैं दो वस्तुएं हैं और दोनों के पास क्या स्टैटिक चार्ज है, स्टैटिक चार्ज है मतलब आवेश है, करंट नहीं आवेश है, इसके ऊपर कुछ चार्ज है, मान लीजिए इसके ऊपर कुछ चार्ज है, इसके ऊपर कुछ चार्ज है, स्टैटिक चार्ज है, स्टैटिक मतलब रुका हुआ स्थिर अवस्था में, और जब दो वस्तुएं हैं उनके पास कुछ स्टैटिक चार्ज है और जब वो कॉन्टैक्ट में आते हैं तो इस स्टैटिक चार्ज का आदान प्रदान होता है। चार्ज का क्या होता है, आदान प्रदान, चार्ज का आदान प्रदान होता है, इसे आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। स्टैटिक मतलब स्टैटिक चार्ज यानी दो वस्तुएं हैं दोनों के ऊपर कुछ स्टैटिक चार्ज है, जब दोनों कांटेक्ट में आती हैं तो इलेक्ट्रॉन चार्ज का आदान प्रदान होता है। तो द ट्रांसफर ऑफ चार्ज
या ट्रांसफर ऑफ स्टैटिक चार्ज व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कम क्लोजर टू ईच अदर, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कम क्लोजर टू ईच अदर देन द ट्रांसफर ऑफ स्टैटिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। यानी जब दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे के करीब आती हैं तो जो उनके अस्थायी जो उनके स्थिर आवेश होते हैं वो एक दूसरे की तरफ गति करते हैं, इसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज बोलते हो। क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज का मतलब जब दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे के करीब आती हैं तो एक दूसरे के करीब आने पर उनके ऊपर जो स्थिर आवेश है स्थिर है तो वो आदान प्रदान होता है। जैसे मैंने कहा ये पानी की बॉटल है, इसके ऊपर कुछ चार्ज है, मेरा हाथ है इसके ऊपर कुछ चार्ज है, दोनों एक दूसरे के करीब आए तो आवेश का आदान प्रदान हो गया। ये पानी की बॉटल है, एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है, मेरा हाथ है एक ऑब्जेक्ट है, दोनों आसपास आए टच हुए तो आवेश का क्या हो गया? आदान प्रदान हो गया। मैंने आपसे हाथ मिलाया, जैसे मैंने आपने और हमारा हाथ मिला, आवेश का आदान प्रदान हो गया। आपने बबली से हाथ मिलाया, जैसे आपने बबली से हाथ मिलाया, आवेश का आदान प्रदान हो गया। सो दिस ट्रांसफर ऑफ स्टैटिक चार्ज व्हेन टू ऑब्जेक्ट कम क्लोजर टू ईच अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। मृदुल बोल रहे हैं, यू आर द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर इन इंटायर टेक्निकल एजुकेशन। मृदुल थैंक यू सो मच फॉर योर एप्रिसिएशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ईएसडी का, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। याद रखना ये सब, इसरो में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक पूछा गया है। अगला सवाल है थर्मिस्टर का जो ग्राफ होता है वी और आई का कैसा होता है? थर्मिस्टर का ग्राफ वी और आई के बीच में कैसा होगा? क्या वो स्ट्रेट लाइन होगा या फिर वो एक सर्किल होगा या स्ट्रेट लाइन नहीं होगा या रेक्टेंगुलर होगा? बोलिए, आपको बताना है थर्मिस्टर के बारे में। बोलिए, सचिन बोल रहे हैं कि मृदुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। विशाल बोल रहे हैं आई एग्रीड मृदुल। पवन बोल रहे हैं थर्मिस्टर नहीं पढ़ा है। और बाकी लोग जिन्होंने पढ़ा है बताओ आंसर, थर्मिस्टर के लिए क्या सच है? थर्मिस्टर के लिए क्या सच है? देखिए थर्मिस्टर के बारे में आपको बता रहा हूं, थर्मिस्टर सबसे पहला सवाल आता है थर्मिस्टर नापता क्या है? थर्मिस्टर लिखने में हिंदी में गलती हो तो आप समझ लेना। ये यहां लगेगी मात्रा, सबसे पहले पूछा जाता है कि बना किसका होता है, तो ये बना होता है सेमीकंडक्टर का। नॉर्मली किसका बना होता है? सेमीकंडक्टर का, या ये कह लो और ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीज एंड कॉपर, कॉपर या मैग्नीज के ऑक्साइड से बना होता है। ये बना किससे होता है? सेमीकंडक्टर से। किससे बना होता है? सेमीकंडक्टर से बना होता है, अर्धचालक जिसको आप बोल सकते हो, अर्धचालक से बना होता है, या ये बोल दो कि मैग्नीज या कॉपर के ऑक्साइड से बना होता है, मैग्नीज या कॉपर के ऑक्साइड से बना होता है। पहला सवाल है कि बना किसका होता है, दूसरा सवाल है कि ये नापता क्या है, तो यह टेम्परेचर नापता है, यह तापमान नापता है, ये तो पता होगा आपको, यह तापमान नापता है, इट मेजर्स टेम्परेचर। अब सवाल आता है कि कहां से कहां तक का तापमान नापता है, तो बताओ कहां से कहां तक का तापमान नापता है ये? थर्मिस्टर
किस रेंज का टेम्परेचर नापता है, कहां से कहां तक? देखो, टेम्परेचर नापने के लिए थर्मिस्टर के अलावा आप थर्मोकपल का भी इस्तेमाल करते हो, टेम्परेचर नापने के लिए थर्मिस्टर के अलावा थर्मोकपल का भी इस्तेमाल करते हो, पायरोमीटर का भी इस्तेमाल करते हो आप, तो थर्मिस्टर कितना टेम्परेचर नापता है? हाउ मच टेम्परेचर की रेंज, जैसे थर्मिस्टर भी टेम्परेचर नापता है, पायरोमीटर भी टेम्परेचर नापता है, थर्मोकपल भी टेम्परेचर नापता है, ये सब टेम्परेचर नापते हैं, तो इसकी रेंज कितनी होती है? नीलोत्पल बोल रहे हैं -15 डिग्री से 60 डिग्री, और आरती का कहना है 30 से 80। केम मेरे सवालों का जवाब दो, कितना टेम्परेचर नापता है थर्मिस्टर? दो आंसर केवल आया है, बाकी लोग मुंह बना के केवल एग्जाम सर पे खड़ा है 10 दिन बाद, और एक भी डेटा याद नहीं है। ऐसे लड़ाई लड़ोगे चिंटू तुम, रणभूमि में रौंद दिए जाओगे, कुचल दिए जाओगे, मार दिए जाओगे, सामने वाला आपको बख्शेगा नहीं। दिनेश बताओ, विशाल बोल रहे हैं -50 से 110, ब्रिजेश बोल रहे हैं 50 से 80। देखो टेम्परेचर रेंज इसकी थोड़ा सा वैरी करती है, बट आप याद रखो लगभग -60 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है? खैर थोड़ा थोड़ा इधर उधर अलग अलग बुक्स में आप देखोगे तो वैरी कर सकता है, बट नॉर्मली ये रेंज है -60 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। आप अलग अलग देखोगे तो हो सकता है अलग अलग मिले, बट इतना भी याद रखो कि -60 से लेकर के या -50 से लेकर के 15 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक नापता है ये टेम्परेचर नापता है। पहली चीज बना होता है सेमीकंडक्टर का। अब यहां से सवाल ये बनेगा कि इसका टेम्परेचर कोफिशियंट कैसा होता है, तो बताइए टेम्परेचर कोफिशियंट कैसा होता है? इसका टेम्परेचर कोफिशियंट, चूंकि ये सेमीकंडक्टर का बना हुआ है और सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशियंट कैसा होता है? निगेटिव। कैसा होता है? निगेटिव। तो टेम्परेचर कोफिशियंट इसका निगेटिव होता है, थर्मिस्टर का टेम्परेचर कोफिशियंट इसका निगेटिव होता है, निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है ताप गुणांक। ताप गुणांक क्या होता है? ऋणात्मक। ताप गुणांक ऋणात्मक होने का मतलब ये हुआ कि अगर आप थर्मिस्टर में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, और अगर आप टेम्परेचर घटाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यानी तापमान बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है, तापमान घटाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो आपने देखा कि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि सेमीकंडक्टर का बना हुआ है, और जो भी चीज सेमीकंडक्टर की बनी होती है उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव ही होता है। कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, सेमीकंडक्टर का नेगेटिव होता है, और इंसुलेटर का भी नेगेटिव ही मान के हम चलते हैं। वैसे इंसुलेटर का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, बट अगर मानना हो तो नेगेटिव मान सकते हैं, इंसुलेटर का भी, सेमीकंडक्टर का भी नेगेटिव और कंडक्टर का पॉजिटिव होता है। तो अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटेगा, टेम्परेचर घटाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा। बाकी थर्मिस्टर से आप टेम्परेचर नाप सकते हो, टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हो, या थर्मल कंडक्टिविटी को भी आप नाप सकते हो। ये तीन चीज़ें कर सकते हो आप, कि टेम्परेचर नापना, टेम्परेचर को कंट्रोल करना, या थर्मल कंडक्टिविटी नापना, ये काम आप कर सकते हो, ठीक है?
हाँ, जैसे थर्मिस्टर है या फिर आपका आरटीडी है, ये सब रेजिस्टेंस नापते हैं। उसमें थर्मिस्टर जो है सबसे सेंसिटिव है, थर्मिस्टर इज मोस्ट सेंसिटिव, ये मैं लिख देता हूँ, मोस्ट सेंसिटिव है, इसकी संवेदनशीलता सबसे ज्यादा होती है। चाहे थर्मिस्टर ले लो, चाहे थर्मोकपल ले लो, चाहे आरटीडी रेजिस्टेंस थर्मोमीटर ले लो, कुछ भी ले लो आप। थर्मिस्टर को आप फुल फॉर्म अगर देखोगे तो थर्मल रेजिस्टर भी बोल सकते हो, इसका पूरा नाम है थर्मल रेजिस्टर। पूरा नाम क्या है? थर्मल रेजिस्टर, थर्मल प्रतिरोध, थर्मल प्रतिरोध, थर्मल प्रतिरोध, थर्मल रेजिस्टर को मिला दिया गया, थर्मिस्टर बन गया। थर्मिस्टर कैसे बना? TheRm यहां से लिया, TheRm और IstUr यहां से लिया, TheRm और IstUr यहां से लिया, थर्मिस्टर बना दिया। थर्मिस्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, और जितने भी टेम्परेचर नापने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं, चाहे थर्मिस्टर हो, चाहे थर्मोकपल हो, चाहे आरटीडी हो, इन सब में सबसे सेंसिटिव है थर्मिस्टर। और जो सवाल है, इसका जो ग्राफ होता है, जो आपसे पूछा गया है कि वी आई ग्राफ कैसा होता है, तो इसका जो वी आई ग्राफ होता है, वी आई ग्राफ इज नॉन लीनियर। वी आई ग्राफ जो होता है और रेखीय होता है। ठीक है, थर्मिस्टर कैसा इंस्ट्रूमेंट है? आप बोलोगे नॉन लीनियर इंस्ट्रूमेंट। थर्मिस्टर कैसा इंस्ट्रूमेंट है? नॉन लीनियर। वी आई का ग्राफ कैसा होगा? नॉन लीनियर, याद रखना। तो वी आई का ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन है? नहीं, सर्किल है, नॉट ए स्ट्रेट लाइन। तो क्या बोलोगे आप इसमें? इसमें क्या टिक करोगे? नॉट ए स्ट्रेट लाइन, रेक्टेंगुलर, सर्किल, क्या? क्या टिक करोगे फिर उसमें? नॉट ए स्ट्रेट लाइन, जी हाँ, नॉट ए स्ट्रेट लाइन मतलब एक सीधी रेखा में नहीं होता है। नॉन लीनियर मतलब अरेखीय है, नॉन लीनियर का मतलब होता है अरेखीय, मतलब एक सीधी रेखा में नहीं। स्ट्रेट लाइन है? नहीं, सर्किल है? नहीं, रेक्टेंगुलर है? नहीं, स्ट्रेट लाइन, नॉट ए स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा में नहीं है। ये सवाल है, दिए गए चित्र में दर्शाया गया यंत्र किस प्रकार का है? गिवेन इंस्ट्रूमेंट इज कैसा है? डायनोमीटर टाइप, डायनामो मीटर टाइप, या एमआई टाइप, या एमसी टाइप, या थर्मोकपल टाइप? कर देंगे सानिका, डोंट वरी, अभी बाकी चीजों पे ध्यान दो जो जरूरी है। ये इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, ये किस टाइप का है ये बताना है आपको। कैसा है ये? डायनोमीटर टाइप का तो नहीं है, एक चीज तो बाहर हो गई, डायनोमीटर टाइप कैसे? अरे डायनोमीटर टाइप में करंट क्वायल होती है, प्रेशर क्वायल होती है, डायनोमीटर टाइप में होता है, ऐसा तो कुछ इसमें दिख नहीं रहा है। एक करंट क्वायल होती है, एक प्रेशर क्वायल होती है, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। थर्मोकपल टाइप? नहीं, थर्मोकपल टाइप भी नहीं है, थर्मोकपल टाइप का डायग्राम ऐसे नहीं बनता है, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, थर्मोकपल टाइप भी नहीं है उसमें। तो आप क्या करते हो, थर्मोकपल में दो अलग अलग मटेरियल लेते हो, एक मेटल ये है, एक
देखो थर्मोकपल में क्या होता है, एक मेटल ये लेते हो, ये दूसरा डिफरेंट मेटल लेते हो, एक हॉट होता है, एक कोल्ड होता है, एक गर्म होता है, एक ठंडा होता है। तो ये दो अलग अलग मेटल जब ज्वाइन कर देते हो, एक हॉट होता है यानी गर्म, एक कोल्ड होता है, तो क्या होता है, हॉट और कोल्ड के बीच में एक वोल्टेज डिफरेंस आ जाता है। क्या आ जाता है, वोल्टेज डिफरेंस, फिर इसकी वजह से करंट फ्लो होती है। जो थर्मोकपल है जो कि सीबेक इफेक्ट वगैरह पे प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो थर्मोकपल में तो ऐसा डायग्राम ये सब तो है नहीं, थर्मोकपल में थर्मोकपल है नहीं, ईडीएम है नहीं। अब बात आती है मूविंग क्वाइल और मूविंग आयरन की। मूविंग क्वाइल और मूविंग आयरन की, जो मूविंग क्वाइल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें परमानेंट मैग्नेट होता है। मूविंग क्वाइल टाइप इंस्ट्रूमेंट में परमानेंट मैग्नेट होता है, और मूविंग आयरन में एक मूविंग आयरन होता है, ये आयरन होता है जो घूमने वाला होता है। मूविंग क्वाइल इंस्ट्रूमेंट में परमानेंट मैग्नेट होता है, और मूविंग आयरन में एक आयरन होता है जो मूव करता रहता है, ठीक है, पॉइंटर के साथ साथ। अब डायग्राम में देखो, ये स्प्रिंग कंट्रोल है, तो स्प्रिंग है, स्केल है, ये आपका क्वाइल तो होती ही है, फिक्स्ड आयरन है, ये मूविंग आयरन है, मूविंग आयरन का हिस्सा है। मूविंग आयरन है तो मूविंग आयरन मार दो, क्योंकि मूविंग क्वाइल में मूविंग आयरन नहीं होता है। अगर मूविंग क्वाइल इंस्ट्रूमेंट होता तो उसमें मूविंग आयरन वाला हिस्सा नहीं होता जो दिख रहा है आपको, मूविंग आयरन वाला हिस्सा नहीं होता। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है ये, क्योंकि मूविंग आयरन है, इसमें आयरन घूम रहा है, आयरन घूम रहा है, तो अगर आयरन मूविंग पार्ट है तो इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट मूविंग आयरन हो गया। बी बी ऑप्शन, आरआरबी बेंगलुरु लोको पायलट, मार दोगे टिक, मूविंग आयरन। अगला सवाल, 1 किलो ओम प्रति वोल्ट सुग्राहिता वाले यंत्र का मोटर प्रतिरोध, मोटर नहीं मीटर, मीटर प्रतिरोध कितना होगा जबकि माप सीमा 50 वोल्ट है। बोलिए, व्हाट विल बी मीटर, व्हाट विल बी मीटर रेजिस्टेंस आर एम ऑफ ए मीटर हूज सेंसिटिविटी इज 1 किलो ओम पर वोल्ट। व्हाट विल बी मीटर रेजिस्टेंस ऑफ ए मीटर हूज सेंसिटिविटी इज 1 किलो ओम एंड माप सीमा एंड फुल वोल्टेज, या फुल स्केल वोल्टेज 50 वोल्ट, यानी अधिकतम वोल्टेज जो नाप सकते हो 50 वोल्ट, बताओ। तो आपको इस सवाल को देखिए, आपको इसका मतलब सीधे सीधे सेंसिटिविटी दे रखी है और वोल्टेज दे रखा है, और आपसे मीटर का रेजिस्टेंस पूछा है, यही तो है सवाल। आपको सेंसिटिविटी दे रखी है, सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता। सेंसिटिविटी होती क्या है, सेंसिटिविटी होती है 1/ फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाली करंट। सेंसिटिविटी होती है 1/ फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाली करंट, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाली करंट क्या होती है, आई होता है V/R, आई होता है V/R, तो इसकी जगह V/R रखोगे आप, V/R, तो आर ऊपर चला जाएगा, वी नीचे आ जाएगा, R/V। आर एक तरीके से मीटर रेजिस्टेंस हो गया, और वी जो है फुल वोल्टेज हो गया। आर क्या है, मीटर रेजिस्टेंस, और वी क्या है, फुल वोल्टेज। यूनिट हो जाएगी इसकी ओम पर वोल्ट, ओम पर वोल्ट। तो सेंसिटिविटी की जो यूनिट होती है, यूनिट होती है ओम पर वोल्ट। सेंसिटिविटी यूनिट होती है ओम पर वोल्ट, होता क्या है, 1/ फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाली करंट या रेजिस्टेंस अपॉन वोल्टेज। अब यहां से आपको सेंसिटिविटी दे रखा है, आपको वोल्टेज भी दे रखा है, जो माप सीमा वोल्टेज के 50 वोल्ट है, 50 वोल्ट अधिकतम वोल्टेज नाप सकता है, तो मीटर रेजिस्टेंस आपको निकालना है। आर जो है मीटर रेजिस्टेंस ही है एक तरीके से, मीटर रेजिस्टेंस है वोल्टेज, तो सेंसिटिविटी बराबर आर बटे वी। यहां से आर क्या हो जाएगा, यहां से अगर आप आर निकालोगे तो आर हो जाएगा सेंसिटिविटी गुणे वी, सेंसिटिविटी
गुणे वी, तो आर मतलब आरएम, आर मतलब क्या हो गया मीटर रेजिस्टेंस। सेंसिटिविटी कितनी है, सेंसिटिविटी है आपकी 1 किलो ओम पर वोल्ट, तो 1 किलो ओम पर वोल्ट जो है ये 1 किलो ओम पर वोल्ट है इनटू वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है 50 वोल्ट, तो किलो ओम को ओम में बदल दो, किलो ओम को ओम में बदलोगे तो क्या होगा 1000 ओम, और ये बोल्ट इंटू 50 वोल्ट, बोल्ट से बोल्ट कट गया कितना जगह 50 × 1000, तो आप इसको लिख सकते हो 50000 ओम या 1000 से भाग दे दो तो किलो में हो जाएगा, खैर 50000 ओम डी ऑप्शन 50000 ओम मीटर रेजिस्टेंस आ गया, मीटर रेजिस्टेंस 50000 ओम, किलो ओम को ओम में बदला, किलो ओम को ओम में बदला, बोल्ट पीछे ये 50 वोल्ट, बोल्ट से बोल्ट गायब, बोल्ट से बोल्ट गायब, तो ये ओम आ गया 1000 × 50, 50000 ओम। यहां तक कोई डाउट है किसी को बोलिए, कोई तकलीफ किसी को, सानिका के एम एवरीवन, ऑप्शन क्या होगा डी, लोको पायलट में पूछा हुआ है आरआरबी मुंबई लोको पायलट। छोटे छोटे मगर ट्रिकी सवाल, छोटे छोटे मगर ट्रिकी सवाल, वेट करो गौरव, वेट करो, वेट, आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल, किस प्रकार का उपयंत्र अधिक संवेदनशील व सही होता है, विच इंस्ट्रूमेंट इज मोर सेंसिटिव एंड एक्यूरेट, किस प्रकार का सूचक मतलब इंडिकेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट, जैसे आपका इंडिकेटिंग टाइप का वोल्ट मीटर हो गया, मीटर हो गया, यहाँ पॉइंटर लगा होता है, कहने का मतलब है पॉइंटर घूम के आगे पीछे बताता है, या इंटीग्रेटिंग टाइप, इंटीग्रेटिंग टाइप में जैसे एनर्जी मीटर वगैरह है, इंटीग्रेटिंग टाइप एनर्जी मीटर वगैरह है, या डिजिटल टाइप, डिजिटल टाइप, या इसमें से कोई नहीं। यस विशाल, एंजॉय एंजॉय, इन सब में सबसे अच्छा अगर कोई है तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है, आजकल चीजें डिजिटल ही तो आ गई हैं, पहले जब वजन नापने की मशीन खरीदते थे तुम तो उसमें सुई लगी होती थी, सुई निडल वो आगे पीछे होती उसको देखते थे आप, अब आजकल डिजिटल है, खड़े हो जाओ सीधे बता देगी कहाँ वजन आपका 80 है 79 है कितना है, तो आजकल जो डिजिटल मीटर आने लगे हैं ठीक है उसमें एक्यूरेसी भी हाई होता है, सेंसिटिविटी भी सब कुछ अच्छा होता है उसमें, सेंसिटिविटी भी हाई होती है, सब्जी खरीदने जाते हो आप देखते हो डिजिटल मीटर रखा रहता है वो ठीक है, कई बार तेज हवा चलती है तो भी 1-2 ग्राम ऊपर नीचे होने लगती है उसकी रीडिंग, तो डिजिटल मीटर आज का जमाना है, डिजिटल डिजिटल। देख रहे हो डिजिटल मीटर दिख रहा है आपको, आजकल डिजिटल मीटर का जमाना है, ड्यूल एलईडी ब्लू डिस्प्ले डिजिटल वोल्ट मीटर, तो हम धीरे धीरे, घड़ी भी आजकल डिजिटल आ गई है, घड़ी भी डिजिटल,
अब निडिल वाली घड़ी लोग कम इस्तेमाल करते हैं, अब शौक के लिए यूज करो, ऐसे तो घड़ी का अब ट्रेंड ही खत्म हो गया धीरे धीरे। तो डिजिटल मीटर का जमाना आ गया है, देखो डिजिटल मीटर ऐसे बता देगा कितना वजन है क्या है, डिजिटल मीटर। भूमि के प्रतिरोध को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बोलिए? अर्थ रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बाय मेगर, मेगर से तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस नापते हैं, अर्थ टेस्टर, डिजिटल वोल्ट मीटर, या मल्टीमीटर। तो अर्थ का अगर रेजिस्टेंस नापना है तो किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाएगा? अर्थ रेजिस्टेंस नापना है तो अर्थ रेजिस्टेंस के लिए हम किसको यूज करेंगे, किसको यूज करेंगे? अर्थ टेस्टर से नापते हैं अर्थ रेजिस्टेंस को, मेगर से थोड़ी नापते हैं। अर्थ रेजिस्टेंस अगर नापना है भूमि का प्रतिरोध, लोग बोल रहे हैं मेगर से नापेंगे, नहीं मेगर नहीं अर्थ टेस्टर। अर्थ टेस्टर बताइए। हाँ अर्थ टेस्टर होगा, विशाल बोले अर्थ टेस्टर का तो वर्कशॉप भी करते थे कॉलेज में। हाँ मेगर से तो हाई रेजिस्टेंस नापते हैं भाई, अगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस नापने की बात की जाए या इंसुलेशन को टेस्ट करने की बात की जाए या बहुत हाई रेजिस्टेंस नापने की बात की जाए, फिर मेगर आपके आंसर में होगा। यहाँ पे है अर्थ रेजिस्टेंस, तो अर्थ रेजिस्टेंस के लिए आप अर्थ टेस्टर का यूज कर सकते हो, किसका यूज कर सकते हो? अर्थ टेस्टर का। कोई दिक्कत है यहां तक तो बताइए। हाँ इसको ग्राउंड रेजिस्टेंस टेस्टर भी बोल सकते हो आप, बिल्कुल ग्राउंड रेजिस्टेंस टेस्टर भी कह सकते हो इसको आप, अर्थ टेस्टर या ग्राउंड रेजिस्टेंस टेस्टर भी कह सकते हो आप, ग्राउंड रेजिस्टेंस टेस्टर भी। भू
प्रतिरोध टेस्टर, भू प्रतिरोध टेस्टर। होगी कुछ और आसानी का होगी और। या दिनेश, केएम पकाना है, विशाल का पूरा नाम विशाल मधेसिया है क्या? दिनेश बोल रहे हैं हम कोई हमारा जवाब नहीं दे रहे हैं सर, आप हमारा नाम नहीं ले रहे हैं आप। दिनेश, इस सवाल का जवाब दिनेश दीजिए तो आपका नाम लिया जाए। एकल प्राथमिक लपेट वाले करंट ट्रांसफार्मर की लपेट निष्पत्ति 10:1 है, यदि द्वितीयक कुंडलन 10 में से 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो प्राथमिक धारा बताओ। करंट ट्रांसफार्मर के बारे में लपेट निष्पत्ति है, अच्छा टर्न रेशियो लपेट निष्पत्ति लिख रखा है। एकल प्राथमिक लपेट वाले करंट ट्रांसफार्मर की टर्न रेशियो इतना है। इन्हें सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर वेयर देर इज वन टर्न इन प्राइमरी वाइंडिंग एंड हैव, अब इसको टर्न रेशियो को सीटी रेशियो लिखना चाहिए था, टर्न रेशियो लिख रखा है एंड टर्न रेशियो 10:1 एक्चुअली सीटी रेशियो है, ठीक है सीटी रेशियो, टर्न रेशियो 10:1। ये द्वितीयक कुंडल में से 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है प्राथमिक, तो इफ सेकेंडरी करेंट इज, इफ सेकेंडरी वाइंडिंग करेंट इज 2 एम्पीयर देन प्राइमरी वाइंडिंग करेंट, प्राइमरी वाइंडिंग करेंट इज, आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर करंट ट्रांसफार्मर पे सवाल पूछा गया है तो करंट ट्रांसफार्मर करंट को कम करता है, क्या करता है, प्राइमरी में करंट ज्यादा होती है सेकेंडरी में करंट कम होती है, करंट कम करता है करंट ट्रांसफार्मर, तो करंट कम करता है इसका मतलब वोल्टेज क्या करता है बढ़ाता होगा, करंट ट्रांसफार्मर करंट कम करता है, करंट कम करता है इसका मतलब वोल्टेज बढ़ाता होगा, वोल्टेज बढ़ाता होगा तो यह कैसा ट्रांसफार्मर हुआ, करंट ट्रांसफार्मर स्टेप अप, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हुआ, इसका मतलब इसकी प्राइमरी में टर्न्स कम सेकेंडरी में टर्न्स ज्यादा, इसका मतलब क्या कि प्राइमरी में टर्न्स कम, अगर प्राइमरी के टर्न्स हम मान लें N1 है और सेकेंडरी के टर्न्स N2 है तो प्राइमरी के टर्न्स कम सेकेंडरी के टर्न्स ज्यादा होंगे और काफी अंतर होगा, N1 प्राइमरी के टर्न्स, N2 सेकेंडरी के टर्न्स, N2 के टर्न्स N1 से बहुत ज्यादा होंगे, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज बहुत ज्यादा होगा, वोल्टेज बहुत ज्यादा तभी तो करंट बहुत कम, और करंट कम करना ही इसका काम है। आपको ये पता है कि सेकेंडरी साइड का टर्न ज्यादा, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज ज्यादा मगर करंट कम होगी। अब आपको दे रखा है कि सेकेंडरी की जो करंट है वो 2 एम्पियर है तो प्राइमरी की करंट क्या होगी, तो प्राइमरी की करंट सेकेंडरी से तो ज्यादा होगी, 2 से तो ज्यादा होगी, अब 2 से ज्यादा कितना, 5, 10 या 20, एक्चुअली 10:1 जो दे रखा है, आप इसको टर्न रेशियो या इसको सीटी रेशियो मानो। सीटी रेशियो का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है सीधा सीधा कि अगर प्राइमरी में, इसको मैं लिख रहा हूं सीटी रेशियो 10:1, इसका मतलब यह है कि अगर प्राइमरी वाइंडिंग में करंट 10 एम्पियर है करंट ट्रांसफार्मर के, तो सेकेंडरी में करंट 1 होगी, अगर प्राइमरी में करंट 10 है तो सेकेंडरी में करंट 1 होगी, इसका यही मतलब है, प्राइमरी में करंट 10 है तो सेकेंडरी में करंट 1 होगी, प्राइमरी में करंट 10 है तो सेकेंडरी में करंट 1 होगी, तो अगर प्राइमरी में करंट 20 है तो सेकेंडरी में करंट 2, प्राइमरी में करंट 30 तो सेकेंडरी में करंट 3, प्राइमरी में करंट 50 तो सेकेंडरी में करंट 5, तो जितनी करंट इधर होगी उसका 1/10 इधर होगा, प्राइमरी में जितनी करंट होगी उसका 1/10 इधर होगा। अब आपको क्या दे रखा है, सेकेंडरी की जो करंट है वो कितनी है 2, तो प्राइमरी की करंट बतानी है, तो अगर सेकेंडरी की करंट 2 है तो ये जितना है उसका 10 गुना इधर है, ये जितना है उसका 10 गुना, तो 2 का 10 गुना 20, इसका मतलब क्या, अगर प्राइमरी की करंट 10 तो सेकेंडरी की 1, या सेकेंडरी की 1 तो प्राइमरी की 10,
तो सेकेंडरी की अगर दो है तो इसका 10 गुना 20, प्राइमरी में 20 20 एम्पियर। पांच एम्पियर वाला कौन है भाई? विकास का 5 आया है, दिनेश का 5 आया है, पेपर देने जा रहे हो एक हफ्ते बाद, विकास और 5 एम्पियर। देखो नॉर्मली जब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की बात की जाए, नॉर्मली किसी ट्रांसफॉर्मर में, तो आप ये लेके चलो कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है सेकेंडरी के टर्न बटे प्राइमरी के टर्न। और टर्न रेशियो की जब बात की जाए तो नॉर्मली हम टर्न रेशियो लेते हैं प्राइमरी के टर्न और सेकेंडरी के टर्न, ऐसे ठीक है। अभी लोको पायलट वगैरह के सवाल में ना बहुत ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, क्योंकि ये कहीं से भी ऐसे उल्टा पुल्टा दे देता है। तो ये सीटी रेशियो आप मान के चलो। अब भाई इसको जो भी आप मानो टर्न रेशियो की, ये तो पता चल गया टर्न का अनुपात है, चलो ठीक है। अब प्राइमरी के टर्न का अनुपात है, सेकेंडरी का कंफ्यूजन भी है आपको, इतना तो पता चल रहा है चिंटू तुमको, सेकेंडरी के टर्न ज्यादा है तो इसका मतलब सेकेंडरी के टर्न ज्यादा है, इसका मतलब सेकेंडरी में 10 टर्न है तो प्राइमरी में 1 होगा। वो देख किस लैंग्वेज में रखा उसको छोड़ो, ये तो पता चल रहा है ना कि सेकेंडरी के टर्न प्राइमरी के ज्यादा है, तो अगर एक टर्न का अनुपात है तो इसमें से किसके टर्न ज्यादा है ये, इसका मतलब सेकेंडरी के टर्न 10 है, प्राइमरी के टर्न 1 है, प्राइमरी में एक टर्न क्या है 1, प्राइमरी के टर्न कम सेकेंडरी के टर्न ज्यादा। वैसे अगर इन जनरल देखोगे तो करंट सीटी टर्न रेशियो होता है प्राइमरी के टर्न और सेकेंडरी के टर्न का अनुपात, और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है सेकेंडरी के टर्न बटे प्राइमरी के टर्न। ठीक है, अब अगर हमने आप यहां पे ये दिमाग अगर ना भी लगाओ कि टर्न रेशियो क्या होता है प्राइमरी के सेकेंडरी, मैंने कहा भूल जाओ आप टर्न रेशियो क्या होता है प्राइमरी के सेकेंडरी, ये तो मान रहे हो कि टर्न रेशियो टर्न का अनुपात है, चाहे प्राइमरी का सेकेंडरी से हो चाहे सेकेंडरी का प्राइमरी से हो, छोड़ दो उसको। ये मैंने कहा टर्न का अनुपात ये है 10 और 1, अब कौन प्राइमरी कौन सेकेंडरी मुझे नहीं पता, आप बताओ ना देख करके सीटी में कौन किसके टर्न ज्यादा होते हैं। आपको पता है सीटी में सेकेंडरी में टर्न ज्यादा होते हैं, इसका मतलब किसका टर्न है सेकेंडरी का, यानी सेकेंडरी का टर्न ये है, प्राइमरी का टर्न ये है, यानी एक तरीके से N2 है 10, N2 है 10 तो N1 है 1, ये कहानी है। देवी तो रखा है 1 प्राइमरी है, दिख रहा है ना सिटी वेयर देर इज 1 प्राइमरी, 1 टर्न इन प्राइमरी, इन प्राइमरी में एक ही टर्न है, सेकेंडरी में 10, ये प्राइमरी है सेकेंडरी, ये प्राइमरी है सेकेंडरी, ये प्राइमरी है सेकेंडरी, यहाँ पे प्राइमरी है सेकेंडरी। अब लिख कैसे दिया है उस पर मत जाओ, आपको सीटी में पता है, अगर सीटी नहीं दे रखा होता नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर दे रखा होता, सीटी में तुमको पता है किधर टर्न किधर ज्यादा किधर टर्न किधर टर्न ज्यादा किधर कम होते हैं, नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर दे रखा होता, सीटी पीटी नहीं दे रखा होता, तो नॉर्मली हम ये मानते टर्न रेशियो मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी के टर्न, N1 अनुपात N2, और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मतलब N2 बटे N1। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? ये जो 10:1 दे रखा है आपको सवाल में, ये एक तो दे ही रखा है प्राइमरी के टर्न, तो अगर एक प्राइमरी के टर्न है तो बाकी जो दूसरा बचा हो सेकेंडरी के टर्न हो गया। मैं अगर सीटी पीटी में कभी भी लिख दूं कि टर्न का अनुपात है 15:7 है, ये क्यों पूछ रहे कौन प्राइमरी कौन सेकेंडरी, आपको पता नहीं क्या सिटी में किधर टर्न ज्यादा किधर टर्न कम होते हैं, सिटी में पता है कि सेकेंडरी में टर्न ज्यादा होते हैं, तो सेकेंडरी का टर्न है ये प्राइमरी का टर्न है। वही अगर पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर दे देता, अगर यही लिख देता पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर में टर्न का रेशियो ये है पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर में, तो हमको पता है पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी साइड टर्न कम होते हैं, तो सेकेंडरी का टर्न है प्राइमरी का टर्न, सेकेंडरी का टर्न है प्राइमरी का टर्न। हाँ अगर ये नहीं दे रखा है कि सीटी है या पीटी है स्टेप डाउन स्टेप अप, तो क्या करते हो आप, तो टर्न रेशियो को लेते हो आप N1 अनुपात N2 और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को N2 अनुपात N1। बीस
सूर्यकांत बोल रहे हैं N1 बटे N2 बराबर I2 बटे I1 से 5 एम्पियर आ रहा है। कैसे आ रहा है पागल चिंटू? चिंटू का सर फार्मूला लगाया हमने, ये लगाओ ये फार्मूला N2 बटे N1 बराबर I1 बटे I2, यही तो है फार्मूला। जरा लगाओ सेकेंडरी के टर्न्स कितने हैं N2 10, सेकेंडरी के टर्न 10 हैं रखो, प्राइमरी के टर्न 1 है, प्राइमरी में करंट निकालनी है, सेकेंडरी में करंट दे रखी, कितना सेकेंडरी की करंट? सेकेंडरी की करंट है 2, सेकेंडरी करंट 2, प्राइमरी करंट निकालनी है, सेकेंडरी में टर्न्स 10 है, प्राइमरी में 1 है, यहाँ से I2 कितना हो गया I1 10 गुणे 2 20, 5 कहाँ से आया पागल चिंटू? सर मैं सिली मिस्टेक कर देता हूँ, मुझे माफ़ करो। बोलो माफ़ किया जाए कि छोड़ दिया जाए या चिंटू के सर को फोड़ दिया जाए? प्राइमरी के टर्न तो गला फाड़ के सवाल में ही दे रखा है कि प्राइमरी के टर्न 1 है, तो अभी टर्न का अनुपात है और 1 टर्न 1 है, मतलब ये प्राइमरी वाला टर्न बचा हुआ सेकेंडरी का, और 2 एम्पियर सेकेंडरी की करंट है। चिंटू बोल रहा सर फोड़ दिया जाए और काले पानी की सजा दी जाए, देख रहे हो? काले पानी की सजा दी जाए, चलिए आज का ये है आखिरी सवाल। नीचे दर्शाए गए चित्र का परिपथ निम्न प्रतिरोध मापन हेतु अभिकल्पित है, वोल्टता मान या वोल्टेज ड्रॉप की इस विधि द्वारा गणना में न्यूनतम त्रुटि रखने के लिए। यानी सवाल में ये कहा गया है कि हम वोल्टेज वोल्टेज नाप रहे हैं, वोल्टेज मेजरमेंट कर रहे हैं, अच्छा निम्न प्रतिरोध मापन है तो अच्छा निम्न लो रेजिस्टेंस नाप रहे हो आप इस मेथड से। इन मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस इन गिवन डायग्राम टू मिनिमाइज एरर, आप बताओ क्या अमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो हाई होना चाहिए? अमीटर का रेजिस्टेंस जो होना चाहिए लो होना चाहिए, और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, या दूसरा ऑप्शन है अमीटर का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस लो होना चाहिए, या दोनों का हाई होना चाहिए? वोल्टमीटर का अमीटर का लो और वोल्टमीटर का भी लो, बोलिए बोलिए बोलिए। बताइए इसका आंसर। आप रेजिस्टेंस नापते हो, एक्चुअली रेजिस्टेंस नापने के लिए R बराबर V बटे I होता है कि नहीं होता है? रेजिस्टेंस बराबर V बटे I। तो अगर आपको ये रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू जो कि 10 ओम दे रखा है, इस रेजिस्टेंस को मेजर करना है, तो अगर आप
इसका वोल्टेज नाप लीजिए और इसमें जाने वाली करंट नाप लीजिए। अगर इसमें जाने वाली करंट नाप लीजिए और इसका वोल्टेज नाप लीजिए तो क्या इसका रेजिस्टेंस नहीं मिल जाएगा? अगर आप रेजिस्टेंस का फार्मूला देखो तो रेजिस्टेंस होता है वी अपान आई, रेजिस्टेंस होता है वी अपान आई। तो अगर इसका वोल्टेज आपने नाप लिया, इसमें जाने वाली करंट आपने नाप लिया तो इसका रेजिस्टेंस नहीं मिल जाएगा। इसका वोल्टेज नापने के लिए हमने वोल्टमीटर को इसके पैरेलल में लगाया, वोल्टेज को पैरेलल, वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाया, उसने वोल्टेज नाप लिया। मान लीजिए वोल्टेज की वैल्यू आ गई 40 वोल्ट, हमने वोल्टमीटर से वोल्टेज नापा, वोल्टमीटर को पैरेलल में लगा दिया और अमीटर से करंट नाप लिया। अमीटर को करंट नापने के लिए अगर इस्तेमाल करना है तो मीटर को कहां लगाएंगे? सीरीज में। तो अमीटर को हमने सीरीज में लगाया ताकि इसमें जाने वाली करंट नाप ले। अमीटर ने करंट नापा, वो मान लीजिए 5 एम्पीयर आ गई। अगर हमने इसका वोल्टेज नापने के लिए वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाया, इसमें जाने वाली करंट नापने के लिए अमीटर को सीरीज में लगाया, अमीटर ने करंट नापा, वोल्टमीटर ने वोल्टेज नापा, जब वी और आई पता चल गया तो किसी भी रेजिस्टेंस में, किसी भी प्रतिरोध में, किसी भी लोड में अगर उसका वोल्टेज पता चल गया, उसमें जाने वाली करंट पता चल गई, तो ओम भैया क्या कह के गए हैं कि अगर किसी का रेजिस्टेंस निकालना है तो उसका विभवांतर निकाल लो, उसमें जाने वाली करंट निकाल लो, दोनों का रेशियो ले लो, वो रेजिस्टेंस होगा कितना हो जाएगा 8 ओम। तो मुझे वोल्टमीटर से इसका वोल्टेज नापना है, मीटर से इसकी करंट नापनी है, लो रेजिस्टेंस नापना है। तो सही रीडिंग आए, एरर कम से कम आए, उसके लिए क्या होना चाहिए? अब आप तो जानते हो, उसके लिए आपका जो वोल्टमीटर है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए और अमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कम से कम होना चाहिए। वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए? वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा से ज्यादा, और जो अमीटर का रेजिस्टेंस है वो कम से कम। वैसे तो हम चाहते हैं आइडियली वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस अनंत हो, हम तो चाहते हैं वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई क्या अनंत ही हो और अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम क्या जीरो ही हो। तो हम चाहते हैं आइडियली अमीटर का रेजिस्टेंस जीरो, वोल्टमीटर का अनंत हो, मगर अनंत जैसी या जीरो जैसी चीज मिलेगी नहीं, वो आइडियल है। प्रैक्टिकली वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा, अमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम होगा, तो त्रुटि कम से कम होगी। हाई लो। ठीक है, तो आज की कहानी यहीं तक रखते हैं, बाकी की कहानी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, अच्छा ऑप्शन गलत टिक कर दिया, मीटर का रेजिस्टेंस लो, वोल्टमीटर का हाई, मीटर का लो, वोल्टमीटर का ए ऑप्शन होगा। ओके, ए होगा। अमीटर का लो, वोल्टमीटर का हाई। अमीटर का क्या होगा? लो, और वोल्टमीटर का हाई। ठीक है, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, पवन बोल रहे हैं हाँ लोड का रेजिस्टेंस गिवन, अरे गिवन नहीं, मान लो हमें निकालना है, वो तो नाप के लिखा हुआ अलग बात। ठीक है,
बाकी की कहानी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, बाकी की कहानी नेक्स्ट क्लास में। बाकी अगर आपने हरियाणा एलम का फॉर्म भर रखा है तो उसके लिए करेरवी लैब पे बैच चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। खैर टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, बट फिर भी अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, वीडियोज लेकिन काफ़ी हैं। तो अगर आप जेई के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जेई इलेक्ट्रिकल की या जेई इलेक्ट्रॉनिक्स की या जेई मैकेनिकल जेई सिविल की या आईटीआई के किसी भी ट्रेड की तैयारी आप कर रहे हो, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन की, आईटीआई फिटर की या फिर डीजल मैकेनिक वगैरह की, तो जेई का कोई बैच ढूंढ रहे हो आप या आईटीआई का कोई बैच ढूंढ रहे हो या एएलपी के लिए अगर आप बैच ढूंढ रहे हो, एएलपी टेक्नीशियन के लिए बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का बैच या ट्रेड वगैरह का बैच, तो इन सब के बैचेज आपको करियरवे लैब पे मिल जाएंगे। आप करोगे क्या, अपने फ़ोन में आप करियरवे लैब डाउनलोड करोगे। कौन सा ऐप? करियरवे लैब ऐप डाउनलोड करोगे, उसमें अपना मोबाइल नंबर वगैरह रजिस्टर करोगे आप। उसके बाद जब आप ऐप खोलोगे तो ऐप खोलने के बाद सबसे नीचे एक लाइव क्लास का ऑप्शन आएगा। किसका ऑप्शन आएगा? लाइव क्लास का। उस लाइव क्लास के ऑप्शन पे क्लिक करना आप एक बार। जैसे आप क्लिक करोगे फिर ऊपर अलग अलग एग्जाम का सेक्शन दिखेगा, जैसे एसएससी, बैंक, टीचिंग। थोड़ा और राइट साइड आप जाओगे, दाएं साइड, तो जेई एंड आईटीआई एग्जाम का एक सेक्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना आप। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो इस वक्त जितने भी बैचेज चल रहे होंगे वो सारे के सारे बैचेज आपको दिख जाएंगे, चाहे जेई के हैं चाहे आईटीआई के हैं, ठीक है। आप उस बैच पे जिसमें भी एडमिशन आपको लेना है उस पर क्लिक करोगे तो उसमें एक इंट्रो का सेक्शन होता है, उस पर क्लिक करोगे इंट्रो के सेक्शन पे तो एक इंट्रो वीडियो होगी जिसमें बैच की सारी जानकारी दी जाती है, उसको देखना आप। और वहीं पे बाय नाउ का ऑप्शन बैच में ही नीचे आता है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर कोई बैच से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए जो शायद आप पूछना चाह रहे हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो। आप फोन नहीं करोगे, आप व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो एक दो दिन में रिप्लाई आपको मिलेगा, 72-660-56-451। ओके, 7266056451 आप व्हाट्सएप मैसेज करके वेट करोगे एक दो दिन तक, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं जितने सवाल आज आपको कराए गए हैं आपको समझ में आए होंगे। तो जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं सारे सब्जेक्ट को आप पढ़ के जाइए, जिस भी एग्जाम को आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो उसका जो सिलेबस है उसके हिसाब से जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसको देख करके जाइए, क्योंकि एक दो सब्जेक्ट का अंतर हर एग्जाम में थोड़ा बहुत रहता है, किसी में डिजिटल आता है किसी में डिजिटल नहीं आता है, किसी में इलेक्ट्रॉनिक्स आती है किसी में नहीं आती है, तो ऐसे थोड़ा बहुत एक दो सब्जेक्ट का अंतर रहता है। जैसे मोटर वगैरह है, बेसिक इलेक्ट्रिकल है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, सब तो लगभग हर ही एग्जाम में आती है, ठीक है। तो बाकी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।